हेलो दोस्तों, मैं हूँ अल्पेश रामानी एंड आज आपके लिए लाया हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग का कुछ फाइव रूल्स जो गोल्डिंग गोल्ड माना जाएगा। वो गोल्ड टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो हर वक्त मैं फॉलो करता हूँ। काफ़ी लोग मुझे कॉल करके भी बोलते हैं कि अल्पेश भाई, आप किस तरह ट्रेडिंग करते हो, आपको प्रॉफिट होता है, आप क्या किसी के टिप्स लेते हो या फिर कुछ पॉइंट फॉलो करते हो। जो मैं पॉइंट फॉलो करता हूँ वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं क्या करता हूँ, अपने यूजर्स को मैं जो ट्रेड करता हूँ उस पर वो फॉलो करते हैं या नहीं करते वो उस पर डिपेंड है। पर मैं जो ट्रेड करता हूँ वो उसके मोबाइल के अंदर डेफिनेटली नोटिफिकेशन मिलता ही है उसको। कैसे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसके बेस उसको आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर होने के बाद अपना ईमेल आईडी और मेटा कोड आईडी आपको मुझे शेयर करना है। तो वो आईडी से क्या होगा, तो मैं जो ट्रेड करूंगा वो ट्रेड आपको अपने मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन आएगा, कल्पेश भाई ने यहाँ पे ट्रेड किया है और यहाँ पे किस में किया हुआ, ऐसा। ओके, तो काफ़ी लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप टिप्स लेते हो, मैं टिप्स नहीं लेता, मैं अपने हिसाब से करता हूँ, अपने अपना खुद का पॉइंट जो मैंने लिखा वो ही फॉलो करता हूँ। ओके, तो मैं चलो अपना जो फाइव रूल्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो रूल्स नंबर वन, तो क्या, यह ऑलवेज ट्रेड अकॉर्डिंग टू एक्चुअली इक्विटी। इसमें क्या होता है कि काफ़ी छोटे यूजर्स भी मुझे पूछते हैं कि अलवेज भाई, मेरे पास तो $100 ही है, तो मैं किस तरह का मनी मैनेजमेंट करूँ ऐसा। तो बड़े ट्रेडर भी मनी मैनेजमेंट करते हैं तब भी है वो आगे जाते हैं। हम छोटे से बड़ा बनना है, बड़े से छोटा नहीं बनना है, या छोटे से छोटा नहीं बनना है, हमको आगे ही जाना है। ओके, तो इसमें आपके पास जो $100 है तो आपको 0.01 माइक्रो लॉट का ओनली 2 लॉट ही ट्रेड करना है, तो आपका टोटल 0.02 का ट्रेड होगा। मैं आपको ऐसा भी नहीं करना है कि 0.02 का डायरेक्टली ट्रेड करना है। ओके, समझिए, डायरेक्टली नहीं करना है आपको, 0.01 से करना है। अगर पहला ट्रेड 0.1 का हुआ, वो थोड़ा सा माइनस हुआ या फिर से मार्केट अप जा रहा है, तो वहीं से आपका फिर से ट्रेड करो ऐसा। अगर 0.2 का एक साथ ही कर दिया तो आपके पास कुछ ट्रेड करने के लिए बचेगा ही नहीं। ओके, तो ये कुछ चार्ट है मेरे पास, जो अगर तो आपके पास 200 की इक्विटी है तो 0.01 का 4 कीजिए, अगर आपके पास 300 की इक्विटी है तो 0.01 का 6 कीजिए ऐसा, और 500 का है 0.0 का 10 कीजिए, और 1000 डॉलर का इक्विटी है आपके पास, 0.1 का 20 ट्रेड कीजिए। और 20 करते हो तो भी एक साथ में मत कीजिए, अभी भी मना कराओ, भले ही आपका अकाउंट बड़ा हो 0.01 का कीजिए, क्योंकि मार्केट कभी भी अपने पोजीशन चेंज कर सकता है। तो आप अपना एक बैकअप होना चाहिए कि चलो मार्केट नीचे गया तो बैकअप से भी हम जब मार्केट अप आए तो हम रिकवरी कर सके मार्केट की। तो आप ये चार्ट के हिसाब से अपना ट्रेड कीजिए। मनी मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर आपके पास 100% मनी मैनेजमेंट मनी है तो आपको उसमें 70-80% ही इक्विटी आपको बैकअप में रखिए, 25-20% में ही आप अपना ट्रेड कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। ओके, तो रूल्स नंबर टू, इसमें क्या होता है कि ऑलवेज यू टेक अ प्रॉफिट, सेकंड पॉइंट स्टॉप लॉस, बाय लिमिट एंड सेल लिमिट, इकोनॉमिक्स न्यूज एंड रिसर्च, एंड वेट फॉर एंड द कैंडल टाइमर। इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप ट्रेड करते हो तो $2 का प्रॉफिट हुआ, 0.01 का करते हो उसमें भी $2, $3, $4 का प्रॉफिट होता है, तो आप क्या करते हो, चलो $5 ले लेते हैं, राउंड फिगर कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, 0.4 एटले आपके पास बहुत ज़्यादा जो अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट की थी उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो वहीं से लेके निकल जाइए, या फिर टेक अ प्रॉफिट आपको नीचे रखिए। तो मार्केट कभी भी नीचे आए, अचानक आए, तो आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही इतना। तो ये बाय लिमिट सेल लिमिट ऐसा सेट कीजिए। अगर आपके पास, अगर आप रोज स्क्रीन के सामने नहीं बैठते, मोबाइल पर आपके पास नहीं है, तो ऐसा ऑलवेज सेट कीजिए MT5 जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें, कि आपका मिनिमम प्रॉफिट इतना आए तो मिल ही जाए। का प्रॉफिट आने के बाद आप सेट कीजिए कि इतने के नीचे में आप सेट कीजिए कि अब मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मार्केट अप जाएगा तो मैं प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, पर मार्केट
कभी भी नीचे आए तो यहाँ से निकल ही जाए ऐसा। और स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर आप बाय करते हो तो आप एक स्टॉप लॉस नक्की कीजिए कि इस कैंडल से नीचे क्लोजिंग होता है तो आपको निकल जाना है ऐसा। कभी काफी लोग ऐसा करते हैं, सर मैं जैसे स्टॉप लॉस रखता हूँ तो मार्केट क्लोजिंग मतलब मैं मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही मार्केट अप जाता है, ऐसा नहीं होता। आप जो स्टॉप लॉस रखते हो कहाँ पे रखते हो वो इम्पोर्टेंस है, मेन कौन से कैंडल पे रखते हो या कौन से कैंडल में आपको बाय एंट्री ली है वो मेन इम्पोर्टेंट है। कभी कभी अभी यहाँ पे इकोनॉमिक्स न्यूज में मैंने भी बताई है, अभी इकोनॉमिक्स न्यूज में क्या होता है, अगर अभी अनएम्प्लॉयमेंट का यूएस का न्यूज आता है, जीबीपी यूएसडी में आप ट्रेड कर रहे हो और वो पॉजिटिव में आया तो वो 10 या 15 मिनट के अंदर तो इतना बड़ा मूवमेंट आता है कि आप आपको आपको लगे चलो मार्केट अप चला जाएगा, बाय चला जाएगा। तो जब इकोनॉमिक न्यूज आता है वो आप नक्की कीजिए, या 2 स्टार 3 स्टार का होता है तब आप का ट्रेड लेना हो तो जब आ रहा है थोड़े देर तो मत लीजिए, उसके बाद लीजिए ट्रेड। ये खास मतलब इम्प्रूवमेंट ये पॉइंट करना है आपको। और दूसरी बात क्या है कि वेट फॉर कैंडल टाइम, अभी आपने बाय किया है चलो ऐसा नहीं, अब आपने मार्केट अप चला गया या फिर डाउन चला गया और आपने सेल किया, ओके तो नेक्स्ट कैंडल पड़ रही है, आपने सेल किया नेक्स्ट कैंडल रेड की बन रही है, कैंडल बन रही है ऐसा बोल रहा हो बन रही है, और मार्केट की कैंडल बन रही है आपने सेल किया तो आपने लगा चलो मार्केट अप जा रहा है तो आप क्या कर रहे हो लॉस लेके निकल जाते हो। नहीं, मार्केट को क्लोजिंग वो जो कैंडल होती है उसको क्लोज होने दो। कभी कभी क्या होता है कि कैंडल बन रही है बाई की और फिर से आके सेल में क्लोज देती है और जो सेकंड बनी हो सेल की बनेगी तो आप वहीं पे प्रॉफिट में आ जाते हो। तो आप ऐसा कीजिए कि ऑलवेज कैंडल नेक्स्ट बनते तक उसका टाइमर वेट करिए। कभी कभी एक इंडिकेटर भी आता है तो आपको नेक्स्ट कैंडल कब बन रही है वो आपको बताएगा, तो जो आपके पास वो कैंडल नहीं बन रही है या फिर आपके पास वो इंडिकेटर नहीं है, ओके तो आप मुझे उसका आप अपना मुझे कमेंट में लिखिए कि मेरे पास नहीं है ईमेल आईडी, तो मैं आपको शेयर करूंगा जो आपको तो कैंडल बन रही है उसका टाइमर वो सब दिखेगा। ओके नाउ रूल्स नंबर 3, ऑलवेज कंट्रोल योर इमोशन व्हेन मार्केट रनिंग द अगेंस्ट यू, टेक अ पेशेंट एंड वेट। इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको बोला कि आपने बाय का ट्रेड लिया और बाय का ट्रेड कब लिया, जब मार्केट मार्केट का न्यूज आने वाला था, ओके मार्केट का न्यूज आने वाला था और 2 स्टार और 3 स्टार का होता है तो मार्केट इतना वोलेटिलिटी होती है, ऐसे समझो आपको बाय का ट्रेड लिया है और मार न्यूज आया तो 2 या 3 कैंडल इतनी वोलेटिलिटी होती है ना, या सेल में बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो आपने आपको ऐसा लगेगा चलो मार्केट सेल में चला गया, आपको 15-20 डॉलर का लॉस होगा उतरन तो आप निकल जाओगे। तो अभी क्या होता है वो न्यूज को आपको पता होगा, तो कभी कभी क्या होता है तो वो न्यूज टेम्परेरी वोलेटिलिटी होती है कि मतलब मैं 15 मिनट 20 मिनट की इतनी वोलेटिलिटी तो मार्केट फिर शांत हो जाता है और अपने हिसाब से फिर स्मूथली चलने लगता है। ओके तो मेन मेन ऑप्शन वही होता है कि आप पैशन इमोशन वो सब कंट्रोल होना चाहिए, या फिर मार्केट अप हुआ तो किस तरह हुआ है, क्या न्यूज आया है या टेम्परेली वोलेटिलिटी है ऐसा, वो सब पहले आप ट्रेड करते पहले एक बार देखिए इकोनॉमिक्स न्यूज की लिस्ट कि जो मैं ट्रेड करा हुआ है तो उसके बाद न्यूज है या न्यूज चला गया है, वो सब पहले देखिए एक बार। ओके फिर कभी कभी क्या होता है, मैंने बड़े बड़े यूजर्स का भी अकाउंट देखा है, इमोशन उसके पास नहीं होता, बैलेंस तो तुरंत ही 0 कर देते हैं या फिर एक ट्रेड करते हैं तो तुरंत ही दूसरा ट्रेड करते हैं तीसरा ट्रेड करते हैं और मनी मैनेजमेंट पता ही नहीं चलता या मैंने कितना ट्रेड किया और फिर बाद में मार्केट इतना नीचे आ जाता है या इतना ऊपर हो जाता है, वो लॉन्ग में होता है या शॉर्ट में होता है तो तुरंत ही 0 हो जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, फिर ठीक आप इकोनॉमिक्स फॉलो कीजिए और एक पेशेंस रखिए कि आप ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट के मूवमेंट देखिए और वेट करिए। ओके टूल्स नंबर 4, ऑलवेज सेट अ प्रॉफिट टारगेट एंड डोंट ओपन द एनी ट्रेड। इसमें क्या होता है, अभी आप मैंने सेकंड रूल में बताया आपने 0.1 का किया और 0.4 डॉलर नहीं ओनली 4 डॉलर आपका प्रॉफिट हो गया, आपका जो इन्वेस्टमेंट से हिसाब से बहुत सारा प्रॉफिट था और आप क्या सोचते हो कि 5 डॉलर चलो 5 डॉलर मिल गया, या फिर आप ऐसा टारगेट की कि मुझे दिस में दिन के अंदर मुझे 15 डॉलर 20 डॉलर आ जाए तो फिर मुझे ट्रेड नहीं करना ऐसा।
कभी कभी यूजर्स क्या करते हैं कि एक ही दिन में ज्यादा प्रॉफिट आ गए तो वो फिर से ट्रेड करने लगता है, और बाद में वो चित तो दिन में जो प्रॉफिट हुआ वो भी महीने चला जाता है। तो एक आप माइंड सेट कीजिए कि मेरा इतना दिन का प्रॉफिट हो जाने के बाद, इतना लॉस होने के बाद मैं नया ट्रेड नहीं करूँगा, या फिर नेक्स्ट डे मैं ट्रेड करूँगा ऐसा। ये मेन इम्पोर्टेंट है। रूल्स नंबर 5, नॉट बिलीव एनी इंडिकेटर। सेकेंड वन, सिग्नल ग्रुप टेक्निकल एनालिसिस चार्ट ब्लाइंडली। इसमें क्या है, कभी कभी लोग क्या यूट्यूब के अंदर वीडियो देखते हैं, फिर वहीं पे बताया जा रहा है कि इंडिकेटर यूज करो या फिर आपको इतना प्रॉफिट होगा, काउंटिंग करके बताते हैं। अगर आप वही वीडियो वही इंडिकेटर आप रियल टाइम में यूज करते हैं तो नहीं होता। क्यों, वो भी बताता हूँ आपको। क्योंकि वो जो बता रहा है वीडियो में वो मार्केट का क्लोज है या मार्केट का पहले का जो वो बता रहा है, ये चार्ट यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे बाय करना है। तो आप रियल टाइम में बाय करोगे तो वहीं पे आप बाय नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशन ही इतना होता है तो आप बाय बाय नहीं कर सकते। तो पहले आप जो इंडिकेटर यूज कर रहे हो उसमें आप पहला अपना हिसाब से डेमो में ट्राई कीजिए, आप एक वीक दो वीक पहले डेमो करिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए। वो सिग्नल ग्रुप में क्या होता है, आप जो टेलीग्राम में जब भी आप रजिस्टर करते हो तो आप ए फोरेक्स वाले लोग आपको ऐड करते हैं, फिर बोलते हैं मैं फॉरेक्स मैनेजर हूँ, आप मुझे अपना अकाउंट दीजिए, मैं ट्रेड करता हूँ 50-50% पार्टनर वगैरह। ऐसा नहीं करना है उसके साथ, करता होगा कमाता होगा वो, प्रॉफिट भी देगा, नो इश्यूज। पर आपकी मनी की वैल्यू आप ही जान सकते हो, दूसरा कुछ नहीं जान सकता, क्योंकि आप किस तरह पैसा कमाते हो फिर आप मार्केट में डाल रहे हो वो उसको पता नहीं है। वो उन्होंने ट्रेड किया प्रॉफिट में आया तो 50% आपका, 50% उसका, अगर लॉस गया तो आपका चला जाएगा। ओके, और टेक्निकल एनालिसिस में क्या हुआ, अभी मैंने न्यूज़ बताया कि मार्केट में न्यूज आने वाला है तो आप ट्रेड मत कीजिए, या मार्केट न्यूज आने वाला है या फिर आ गया उसके बाद आप मार्केट की मूवमेंट जो वॉलेटिलिटी होती है उसको शांत होने दीजिए, फिर आप ट्रेड में एंटर कीजिए। ओके, ये मेरा 5 रूल्स है। आप एक बार अपने माइंड में सेट कीजिए कि मैं कहाँ पे भूल कर रहा हूँ, या मैं रियल में इसको फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अगर कर रहा हूँ तो कहाँ कर रहा हूँ, और अगर कोई मिसिंग है या नहीं है वो भी कीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, अगर आपको मैं जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसको आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन वो सब चाहिए तो वहीं पे रजिस्टर कीजिए, और अपना तो मेटा ट्रेडर कोड आईडी है वो मुझे सेंड कीजिएगा, मैं आपका मेरे सिस्टम के अंदर आपका आईडी ऐड कर दूंगा, तो जैसे मैं ट्रेड करूंगा उसके हिसाब से आपको ट्रेड मिलता रहेगा नोटिफिकेशन। वो ट्रेड क्या आप अपने अपने एनालिसिस के ऊपर देखिए कि यहाँ पे एलपीज में ट्रेड कर रहा है तो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ऐसा मैं कर रहा हूँ आप ट्रेड करिए, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए मैं कहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। ओके ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर जो आप मेरे चैनल के अंदर नए हैं तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।